अमद्रियास बबून एक बड़े आकार के कुत्ते जैसे थूथन वाले तथा मजबूत शरीर के बंदर होते हैं। नर एवं मादा दोनों के फर भूरे या हल्के धूसर रंग के होते हैं, जहां मादा बबून का चेहरा भूरे रंग तथा बिना बालों का होता है, वहीं नर बबून के चेहरे के चारों तरफ एक लंबे चांदी के रंग की अयाल होती है तथा उसका चेहरा एवं शरीर के पीछे का हिस्सा चमकीले गुलाबी रंग का होता है। इनकी पूंछ छोटी, गुच्छेदार तथा पकड़ बनाने में असमर्थ होती है। अमद्रियास बबून विभिन्न प्रकार के वास स्थल में रह सकते हैं, पर पेड़ों की अपेक्षा ये ऊंचे खड़ी चट्टानों वाले पहाड़ों पर रहना पसंद करते हैं, जहां इन्हें अपने मनपसंद वनस्पतियों जैसे कि एकेशिया तथा कैक्टस एवं पीने के लिए पानी मिल जाता है। अमद्रियास बबून उत्तर पूर्वी अफ्रीकी महाद्वीप के मूल निवासी हैं। वर्तमान में ये मिस्र से विलुप्त हो गए हैं, परंतु इनकी एक बड़ी आबादी इथियोपिया, सोमालिया, सऊदी अरब और यमन में पाई जाती है। वास्तव में बबून की कोई और प्रजाति सुदूर उत्तर में नहीं पाई जाती, जहां तक अमद्रियास बबून पाए जाते हैं। किसी समय अमद्रियास बबून को प्राचीन मिस्र के निवासियों द्वारा मिस्र के देवता थोथ के प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाता था और इन्हें पवित्र बबून माना जाता था। प्राचीन समय में मिस्र में इन्हें इतना सम्मान दिया जाता था कि मृत्यु के पश्चात कुछ की तो ममी भी बनाई गई थी। सामान्यतः इनकी उम्र जंगल में 20 वर्ष की होती है, लेकिन चिड़ियाघर के सुरक्षित माहौल में ये 25 से 30 वर्षों तक भी जी सकते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 4 अमद्रियास बबून है, जिनमें एक वयस्क नर, एक वयस्क मादा, एक किशोर मादा एवं एक शिशु नर शामिल है।